एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम अपने इस लेक्चर में बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट आज शुरू होने वाली है, जो कि प्रैक्टिस सेट है इकाइनोडर्मेटा का। तो फटाफट आप लोग पहले थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि और लोग जुड़ जाए, ठीक है, मजा जाए इस क्लास में। बिल्कुल पहले तो आप यह क्लियर करें कि वॉइस और जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल सही है, वॉइस और क्लियरिटी सही है अथवा नहीं, थोड़ा सा आप भाई क्लियर करके बताएं। क्लास तो शुरू होगी, ठीक है, और बहुत जल्दी ही शुरू होगी, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा देर भी नहीं लगाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल हमारे हिसाब से तो वॉइस और क्लियरिटी दोनों शायद ठीक है, ठीक है, वॉइस और क्लियरिटी दोनों ठीक है, ठीक है। चलिए, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को शुरू किया जाए, आज के प्रश्नों को तो शुरू करते हैं। बिल्कुल जो आज के प्रश्न है स्टार्ट किया जाए, ठीक है। देखिए, हम आपको बता दें, बिल्कुल आज के जो प्रश्न होने वाले हैं, इन प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम आपको लेकर के, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपने स्टारफिश पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा में, स्टारफिश हमने आपको पढ़ा दिया था, और बिल्कुल वही स्टारफिश हम आपको बता दें। देखिए, ये स्टारफिश पूरा लेक्चर हमने इसके बारे में बताया था आपको, स्टारफिश के बारे में पूरा हमने आपको बताया भी था, ठीक है, कि एस्टेरियास जो है, जो एस्टेरियास है स्टारफिश, सी स्टार भी कहलाता है, और ये मैराइन एनिमल होते हैं, सैंड में होते हैं, ये तली पर होते हैं बिल्कुल, और ये हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री, इसके लिए ये जो है हानिकारक होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात किया था, टोटल जो हमने बात किया था लगभग इसकी 150 स्पीसीज थी, और ये स्टारफिश में हमने दो, इसमें आपको बताया था कि दो व्यू होते हैं इसमें, एक तो एमोरल व्यू, दूसरा ओरल व्यू, दो व्यू होते हैं इसमें। माउथ जो होता है आपका ओरल व्यू में होता है, और इसमें ट्यूब फीड भी उपस्थित होते हैं, एम्बुलेटरल ग्रुप होते हैं, अर्थात वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी होता है। तो मार्जिनल स्पाइंस पर जो है इकाइनोडर्मेटा का अर्थ ही होता है, इकाइनोडर्मेटा का अर्थ ही होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है कि यानी स्पाइंस, यानी स्किन, स्किन पर, त्वचा पर जो स्पाइंस होती हैं, कांटेवर्स संरचना है, जिस कारण से कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। मोस्ट सी स्टार जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, ठीक है, टेपरिंग एंड, और बाकी इसका जो कलर है हमने सारी बात किया था इसमें, ठीक है, सभी पूरा हमने इसका विस्तार जो है इसके बारे में चर्चा भी किया था, इसके क्लासिफिकेशन की भी बात हमने किया था, कि कुछ में जो है स्टेरियास में 5 भुजाएं होती हैं, जबकि सोलोस्टर में 7 से 14 भुजाएं होती हैं, हेलियोस्टर में मोर देन 40 आर्म्स यानी 40 से ज्यादा होती हैं, और इसकी जो बॉडी होती है दो भाग में बटी होती है, एमोरल सरफेस और ओरल सरफेस दो भाग में बटी होती है, ठीक है, और ओरल एमोरल भाग में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे स्पाइंस है, डर्मल ब्रांकी है, और पेडिसिलरी है, पेडिसिलरी आप देख रहे हैं क्या काम करती है, बिन कैचिंग द फूड एंड, ठीक है, एनस है, और ये आप मेडिपुराइड की संरचना देख रहे हैं, मेडिपुराइड, ठीक है, और इधर जो है ओरल सरफेस माउथ एम्बुलेटरल ग्रुप्स और एम्बुलेटरल स्पाइन ट्यूब आईज और सेंसरी टेंटिकल्स, इतने ढेर सारे मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, ठीक है, पूरा विस्तार से पूरी चर्चा किया था। तो अब हम आपको बता दें, इसमें चर्चा भी किया था कि किसका पाचन होता है, किसका नहीं होता है, और इसके साथ साथ हमने आपको क्लासिफिकेशन भी बताया था, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक टर्म है अरिस्टोटल टर्म्स, ठीक है, मैस्टिकेटरी जो चबाने वाला अंग होता है, च्यूइंग भी कह सकते हैं इसको, मैस्टिकेटर केटरी अंग होता है, अरिस्टोटल टर्म्स प्रेजेंट कहां होता है, मेंबर ऑफ इकाइनोडियम, ठीक है, माउथ एनस आर्म्स, इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दो सब फाइलम थे, इल्यूथिरोजोआ और पलमेटोजोआ, इल्यूथिरोजोआ और पलमेटोजोआ, फिर उसके बाद मैंने इसका जो है क्लास भी बताया था कि 5 इसके क्लास हैं, ठीक है, 5 क्लास, स्टेरॉइडिया में जिसमें स्टारफिश है शामिल है, ऑफिरॉइडिया में, और इकोनोडिया, होलोथ्रोइडिया, तो ये सब सारी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल क्वेश्चंस की, प्रश्न की बात करने वाले हैं, ठीक है, प्रश्नों को शुरू किया जाए, प्रश्न क्या है, प्रश्नों को देखा जाए, क्या है प्रश्न, प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को लेते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है
ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न को आप पढ़ें, देखें और इसका उत्तर दें आप। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पेडिसिलरी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास, यानी पेडिसिलरी किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पेडिसिलरी किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यह है आपको बताना है किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बिल्कुल आप लोगों के आंसर तो भाई शुरू हो गए फटाफट, तो यहां पर आप लोगों को जो आंसर आ रहा है एस्टेरॉइडिया, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया क्लास का है। प्रेजेंस ऑफ पेडिसिलरी, पेडिसिलरी जो है यह किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है एस्टेरॉइडिया। ठीक है, इसका बी नंबर सही है। अब चलते हैं अपने आज के दूसरे वाले प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पर दूसरे वाले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये रहा, दूसरा प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहा है, द एनिमल विथ ट्यूब फीट इज, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जो ट्यूब फीट के साथ उपस्थित होता है, जो ट्यूब फीट के साथ उपस्थित होता है, ऐसा कौन सा जंतु है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है स्टारफिश, पहला ऑप्शन यहां आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है स्टारफिश है, दूसरा कह रहा है जेलीफिश है, कि सिल्वर फिश है, कि क्रेफिश है, कौन सा है। अब यहां आप थोड़े से कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं, नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के जो आंसर है आ रहे हैं भाई। ठीक है, हरिश्चंद्र पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है स्टारफिश है, स्टारफिश। देखिए ये जेलीफिश जो है आप देख रहे थे सिलेंड्रेटा का, क्रेफिश और सिल्वर फिश, ये सिल्वर फिश भी आपने देखा था, ये ट्रू फिश भी नहीं है। हालांकि हम लोग जो इकानोडर्मेटा में पढ़ रहे हैं या ट्यूब फीट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है एनिमल, ऐसा जंतु जो जिसमें ट्यूब फीट उपस्थित होता है, तो कौन है, वह स्टार फिश है, इसका राइट आंसर है स्टार फिश। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन क्या, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर तीन है ये, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कह रहा है इसको देखा जाए, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें है, चौथा कह रहा है स्टार फिश में है, तो किस, ये इसका जो राइट है वह बिल्कुल क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल पूनम पटारिया, अंतिम अंतिमा बिंद, कंचन यादव, अंकिता मौर्य, पंकज कुमार, हरिश्चंद्र पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास होगा आर भाई, कई लोगों के उत्तर यहाँ बहुत ही अच्छा डी आ रहा है नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर है स्टारफिश, स्टारफिश। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है स्टारफिश में, स्टारफिश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं, आज का जो क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए आप रही केवल बात नेटवर्क प्रॉब्लम की, तो नेटवर्क प्रॉब्लम ही बिल्कुल बहुत जल्द ही दूर होने वाला है आपको, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक क्लियर वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, अब बड़ा ही मजा आने वाला है अब बिल्कुल वीडियो के थ्रू। देखिए कह रहा है द सिस्टम ऑफ वेसल्स कन्वेइंग वाटर फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग रिस्पिरेशन एंड लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स काल, यानी कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा में कौन सा एक ऐसा वेसल्स का तंत्र है जो कन्वेइंग करता है, इसके लिए कन्वे करता है, यानी रिस्पिरेशन और फीडिंग और लोकोमोशन, तो ये सभी किस, कौन सा ऐसा तंत्र है जो सभी को जो है बिल्कुल कंट्रोल करता है, इसी के थ्रू होता है। बिल्कुल मंजू देवी आप भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप भाई, बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, चार नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी नंबर, अंकिता मौर्य बिल्कुल बी नंबर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, पहला है कैनाल सिस्टम, नो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है बी नंबर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम पांच को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर पांच,
क्वेश्चन नंबर पांच क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को आप सही से पढ़ें, थोड़ा सा प्रश्न देखें, प्रश्न क्लियर दिखाई दे रहा है अथवा नहीं दिखाई दे रहा है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, कह रहा है इकाइनोडर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इकाइनोडर्मेटा का जो मुख्य कैरेक्टर है इसमें से कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा का मुख्य कैरेक्टर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का मुख्य कैरेक्टर कौन सा है। कह रहा है पहला ऑप्शन एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिट, मतलब जो ये कह रहा है कि यह केवल, एक्सक्लूसिवली मतलब क्या होता है भाई, केवल, ठीक है, केवल यह लवड़ी हैबिट में होता है, एंड कैल्केरियस स्केलेटन, और इसमें जो है स्केलेटन होती है कैल्केरियस होती है, ठीक है, कैल्केरियस स्केलेटन होता है इसमें। और अगला जो कह रहा है, अगला ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, एंड ट्यूब फिट फॉर लोको मोशन, और इसमें ट्यूब फिट भी होती है, ठीक है, कह रहा है कि लोकोमोशन के लिए बाइलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल हरिचंद जी आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं अभी, बहुत ही अच्छा आपकी प्रिपरेशन सही है, ठीक है। देखिए पहली बात की ये मैराइन भी होते हैं, कैल्केरियस स्केलेटन भी पाई जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फिट फॉर लोकोमोशन, इसके लिए यह भी राइट आंसर है इसका, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री बिल्कुल सही है, लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एंड रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, एडल्ट स्टेज में, ये भी सही है, अर्थात इसका जो है ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त तीनों सही है, तो यही इसका राइट आंसर है, अर्थात पांच नंबर का कौन सा सही है, डी नंबर, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्म्स आर, यानी इकाइनोडर्मेटा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है इकाइनोडर्मेटा में। ट्यूब फिट कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ट्यूब फिट, दूसरा कह रहा है सीटी, तीसरा कह रहा है पैरापोडिया, चौथा कह रहा है स्यूडोपोडिया, तो क्या ये इसमें से कौन सा आंसर सही है भाई, कौन सा आंसर सही है, तो बिल्कुल आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई, ठीक है, तो इसका जो है ए नंबर राइट आंसर है, इसका ए इज द राइट आंसर, ट्यूब फिट, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है इकाइनोडर्मेटा में वो क्या होता है, ट्यूब फिट, तो इसका सही उत्तर है ट्यूब फिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सात, ये रहा क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात की तरफ चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर सात में विच आर द फॉलोइंग इकाइनोडर्म्स इज नॉट मैराइन, निम्नलिखित में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा का सदस्य लवड़ी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कह रहा है कि कौन सा इसमें से इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है जो लवड़ी नहीं होता है, ठीक है, आपको बताना है, सी लिली, स्टारफिश, होलो क्यूरिया, नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, के यादव जी आप लिखते हैं सी लिली, ठीक है, डी शायद, हरिचंद जी बिल्कुल आपका जो उत्तर है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कि हमने कहा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, केवल ये इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं केवल कैसे होते हैं, ये मैराइन ही होते हैं, केवल मैराइन होते हैं, कोई जो है फ्रेश वाटर होता नहीं, तो इसमें से कहां आए भाई, इसमें से ये सभी जो है मैराइन है, ये भी है, ये भी है, तो ये नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है, सात का डी नंबर सही आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आठ को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आठ, ये रहा क्वेश्चन नंबर आठ, देखिए क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, इन स्टारफिश सितारा मछली में एट द एगोरल एंड में नियर द एनस ए प्लेट लाइक पोरस स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड, यानी इसके एगोरल एंड में जो स्टारफिश होती है उसके एगोरल एंड में एक पोरस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है, एगोरल एंड में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है,
ठीक है, इसमें कह रहा है स्केलेटन प्लेट कहा जाता है, दूसरा कह रहा है मैट्रिक्रोइड कहा जाता है, तीसरा कह रहा है पेडिसिलरी कहा जाता है, चौथा कह रहा है ट्यूब फिट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, आठ नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल अमित कुशवाहा, ठीक है अर्जुन कुशवाहा, आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है बी नंबर, तो बी इज द राइट आंसर, बी ही इसका सही उत्तर है, बी ही इसका सही उत्तर है। मैट्रिक्रोइड में बताया था जो मैट्रिक्रोइड की संरचना होती है इस टाइप की होती है, मैट्रिक्रोइड, ठीक है, मैट्रिक्रोइड की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, और इसका जो आकार होता है बिल्कुल यस शेप का होता है, यस शेप इसका आकार होता है, ठीक है मैट्रिक्रोइड का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अरिस्टोटल लाइटर इज फाउंडिंग, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, ठीक है अरस्तु की लालटेन पाई जाती है भाई, कह रहा है एक फ्रेश वाटर इकोनोडिया एनिमल्स, द माउथ ऑफ इकोनोडिया एनिमल नेम्ड आफ्टर अरिस्टोटल, सी नंबर कह रहा है चेविंग अपैरेटस ऑफ इकोनोडिया एनिमल, नन ऑफ द अबव, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है आपको बताने हैं। बिल्कुल कंचन यादव जी उत्तर आपका सही है, ठीक है उत्तर आपका सही है सोनम वर्मा, सोनम वर्मा जी, अजय कुमार, बिल्कुल आप लोगों के जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, इसका सी नंबर राइट आंसर है चिविंग अपैरेटस, ठीक है यह चबाने वाला अंग होता है या मैस्टिकेटरी ऑर्गन कह दीजिए, और यह किसका सदस्य है इकोनोडिया एनिमल का, इकोनोडिया एनिमल में यह है अरिस्टोटल लेटर्स, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है सी ही इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आज भाई क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कह रहा है बाइपिनेरिया लार्वा इज फाउंड इन, बाइपिनेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है यह आपको बताना है कि बाइपिनेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है, पोरिफेरा सिलेंट्रेटा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, तो किसमें पाया जाता भाई, ठीक है क्या पोरिफेरा में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है या मोलस्का में पाया जाता है, तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि पाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं भाई, बहुत ही जल्दी जल्दी उत्तर आ रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा इज द राइट आंसर, डी नंबर इसका सही उत्तर है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की, तो बाइपिनेरिया लार्वा किसका है भाई, बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है इसका ये सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंडिंग, रीजनरेशन की क्षमता किसमें पाई जाती है, रीजनरेशन पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंडिंग, रीजनरेशन की क्षमता किसमें पाई जाती है यह आपको बताना है, ठीक है बिल्कुल विक्की मिश्रा जी, लक्ष्मी शंकर प्रजापति, आप विक्की मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है बिल्कुल आप पंक्चुअल हो जाइए, और आप अब मजा आने वाली है, देखिए हम आपको पूरी बुक के जितने भी हैं चाहे वो आर.एल. कोटपाल की हो चाहे आर.के. पिल्लई की हो, ठीक है और चाहे शर्मा जी की बुक हो, ठीक है सभी, चाहे रमेश गुप्ता की हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम को क्वेश्चंस, हम उसको रिपीट कराएंगे, पीडीएफ लगाना है हमको बता देना है, ठीक है तो चलिए आप सब ये सब आपकी ही स्नेह और प्यार की बदौलत हुआ है और ऐसा संभव है, ठीक है तो फटाफट जो है फटाफट यह वीडियो और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए करें, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ जाए, थोड़ा सा संख्या और हो जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम है, यह अभी सही हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम ये बहुत जल्द ही सही होगा, ठीक है ऐसी आप उम्मीद रखिए कि बहुत जल्दी यह भी दूर हो जाएगा, सब धीरे धीरे सेटल हो गया तो यह भी सेटल हो जाएगा, ऐसा आप समझिए।
देखिए पावर ऑफ रीजनरेशन इसका उत्तर क्या होगा, क्या इसके आप किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है कि लिक्विड सेलेनियम पाया जाता है कि सभी में पाया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर आप लोगों को उत्तर आ रहा है भाई, डी नंबर सोनम वर्मा जी, बहुत ही अच्छा आपका उत्तर हरिश्चंद्र जी, ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, सभी में स्टार किस में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, लिक्विड सेलेनियम में भी होता है, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखे जरा, कह रहा है पोरस प्लेट प्रेजेंट ऑन एवोरल साइड ऑफ स्टार किस, और देखिए घुमा करके प्रश्न आ गया, अभी इस प्रश्न की हम बात किए थे, ठीक है, इस प्रश्न की अभी हम बात किए थे, कह रहा है कि पोरस प्लेट यानी छिद्र युक्त जो प्लेट जैसी संरचना होती है, छिद्र युक्त प्लेट जैसी संरचना होती है एवोरल साइड में, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, छिद्र युक्त प्लेट जैसी संरचना जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सर अपने स्मार्ट बोर्ड ले लिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कंचन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब देखिए आप लोगों के स्नेह और प्यार की बदौलत ही हुआ है, ठीक है, और चाहते हैं कि ये तैयारी बिल्कुल हो जाए, नहीं बायोलॉजी वालों के पीछे तो पता नहीं हाथ धो के पड़ गए हैं लोग, ठीक है, अभी देखिए टीजीटी से बाहर कर दिया गया था, अभी रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, पता नहीं कैसी गवर्नमेंट आ गई, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ रहा है, ठीक है भाई, एकदम त्रस्त हो चुके हैं, 2011 का रिजल्ट, 2016 की परीक्षा नहीं हुई, ठीक है, इस टाइप का जो है पूरा सिस्टम पता नहीं कैसे, जबकि वहां विद्वान लोग बैठे हैं, अभी हम लोगों से कोई छोटी सी एक गलती हो जाती है इतनी मतलब भुगतना पड़ता है, लेकिन इन लोग पता नहीं कहां सो रहे हैं, इतने टैलेंटेड होकर के एकदम नर्क कर दिए हैं, नर्क मचा दिए हैं एकदम, ऐसा समझिए, एकदम समझ रहे हैं, अभी सोचिए कि पहले चुनाव जो चुनाव की प्रक्रिया है ना, वो एक दो महीने भी नहीं खिसकने पाती है, चुनाव वजह से परीक्षा खिसका दिया जाता है, आप समझ रहे हैं, मतलब इतने मतलब ये विध्वंस वाली प्रक्रिया आ गई, हमें तो लगता है कि फिर से एक बार अपने भारत देश में फिर से वही लड़ाई होगी यहाँ, और ये लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है, समझ रहे हैं, जब तक गुट बनेगा, फिर अगर यही भ्रष्टाचार रहा तो पूरी गुट बन जाएगी, और शिक्षा का स्तर इतना नीचे घटिया टाइप का गिरा दिए हैं, शिक्षा मतलब अंगा, शिक्षा को ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ उनका निर्भर है चुनाव, चुनाव की पॉलिसी, पता नहीं क्या कैसी प्रक्रिया है भाई, अब ये कहिए कि अब आपको हम बता दें कि वो पहले के महान लोग थे जो बलिदान कर दिए अपने शरीर, इन लोगों को कह दीजिए कि दो लाठी भी खा जाएं कहीं जाकर के तो नहीं, लेकिन लाठी से भाई छात्रों को पिटवा देंगे, समझ लीजिए कि अब क्या बताएं, कि अब दिल रोने लगता है कभी कभी, समझ लीजिए कि बायोलॉजी वालों से इनकी पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है इनको, समझ लीजिए कि इतने मतलब घटिया टाइप के हैं ये लोग, समझ रहे हैं, अब जितना भी कहें उतना भी कम होगा, लेकिन ठीक है जो हम लोगों को भाई है कर्तव्य चल रहा है, लेकिन ये पक्का आने वाला है ऐसा सिस्टम, ठीक है, यहाँ पक्का फिर से वही संघर्ष हमें लगता है होगा, और फिर से वही जो पुरानी राजसी थाट वाली प्रक्रिया थी फिर वही से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोरस प्लेट प्रेजेंट ऑन एवोरल साइड ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश में जो पोरस प्लेट पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो अभी हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, मैड्री पोराइड, मैड्री पोराइड जिसके थ्रू वाटर जो है एंट्री लेता है, वाटर इंटर करता है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से स्टोन कैनाल से होकर के पहुंच जाता है, स्टोन कैनाल से होकर के, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्म्स आर, यानी जो इकाइनोडर्मेटा में जो सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, इकाइनोडर्मेटा में उस सर्जी अंग क्या होते हैं, मैटीजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स की एब्सेंट है, ये बताइए क्या होते हैं तीनों, मैटीजियन ट्यूब्यूल्स इसमें होती है क्या, ठीक है, इकोनोडर्मेटा में मैटीजियन ट्यूब्यूल्स तो होती नहीं है बिल्कुल, ये होती नहीं है मैटीजियन ट्यूब्यूल्स, और नेफ्रिडिया भी नहीं होता है, फ्लेम सेल्स भी नहीं होती है, तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, एब्सेंट, ठीक है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमको लगाना पड़ेगा, एब्सेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द नेम इकाइनोडर्मेटा वाज कॉइंड बाय, इकाइनोडर्मेटा नाम किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया, ये आपको बताना है, ठीक है, विक्की मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, ठीक है। चलिए कह रहा है कि नेम इकाइनोडर्मेटा वाज कॉइंड बाय, इकाइनोडर्मेटा जो नाम है किसने दिया ये आपको बताना है, ठीक है, इसका सही उत्तर महेश कुमार पासवान जी, बिल्कुल आप भी भाई हम देखते हैं कि आप बहुत रेगुलर रहते हैं, ठीक है, बहुत ही रेगुलर रहते हैं, इसका जो आंसर है देखिए बिल्कुल पहला कह रहा है रिकॉर्ड, दूसरा लाभ रॉबर्ट ग्रांट गोल्ड फर्स्ट जैकब क्लीन, हमने आपको बताया था जे के एल, याद रखना भाई कहां से, जे के एल,
याद रखना इसके लिए इकाइनोडर्मेटा के लिए, ठीक है, क्योंकि जैकब क्लीन ने जो है नाम दिया था टर्म, ये दिया था इकाइनोडर्मेटा। फिर उसके बाद इसमें एक फाइलम जो नाम दिया था, फाइलम बनाया था, वो कौन थे, ल्यूकार्ड थे। तो इसका सही आंसर क्या है, जैकब क्लीन, जैकब क्लीन इसका राइट आंसर है, ठीक है, जैकब क्लीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द फाइलम इकाइनोडर्मेटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, फाइलम इकाइनोडर्मेटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अब देखिए कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा किसने एस्टैब्लिश किया, किसने स्थापित किया, यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्थापना किसने किया, ये आपको बताना है। ल्यूकार्ड है, जैकब क्लीन है, लैमार्क है, वॉन सीबोल्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ए नंबर इसका राइट आंसर है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी मैंने बताया था जेके एल ल्यूकार्ड, ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्थापना किया था ल्यूकार्ड ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, यानी कौन से फाइलम के सदस्य जो होते हैं केवल और केवल मैराइन होते हैं, किस फाइलम के सदस्य केवल और केवल मैराइन होते हैं, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। तो किस फाइलम के सदस्य केवल मैराइन होते हैं, ठीक है, किस फाइलम के सदस्य है भाई, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, पॉलीफेरा। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है सी इज द राइट आंसर, इकाइनोडर्मेटा, हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की ही, बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसी के जंतु केवल और केवल कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक है, लवणीय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है किसमें पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। स्पंज है पहला ऑप्शन, दूसरा निडेलियंस है, इकाइनोडर्मेटा है, आर्थ्रोपोडा है, तो किसमें पाया जाता है भाई, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी कहिए कि पोरिफेरा नहीं दिया है, पोरिफेरा में भी ना होता है, लेकिन मोस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इज द राइट आंसर, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ये आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इन विच फाइलम, किस फाइलम में एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री, किस फाइलम में जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, बट लेकिन डियर लार्वा आर बाइलैटरल, इनका लार्वा जो है बाइलैटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं और एडल्ट्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, किस फाइलम में ऐसा कह रहा है भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, हम देख रहे हैं आपके आंसर की तरफ इसका सही उत्तर, ठीक है, क्या होगा सही उत्तर इसका भाई, 18 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ए नंबर ही है स्टारफिशेस एंड अदर इकाइनोडर्मेट, ये स्टारफिश के साथ साथ दूसरे इकाइनोडर्मेटा, जितने इकाइनोडर्मेटा सभी इसमें होते हैं, क्या कि उसके जो है एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है और इसके लार्वा में क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एम्बुलेटरल सिस्टम इज नोन एज, एम्बुलेटरल सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, एम्बुलेटरल सिस्टम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है एम्बुलेटरल सिस्टम को, ठीक है, कह रहा है कैनाल सिस्टम कहा जाता है, और दो नंबर कह रहा है ह्यूमन सिस्टम कहा जाता है, और तीन नंबर कह रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, और चार नंबर कह रहा है इकोमन कहा जाता है, ठीक है, is found in the life history of brachiolaria larva, किसके
जीवन इतिहास में पाया जाता है, किसके लाइफ हिस्ट्री में ब्रैक्यूलेरिया लार्वा पाया जाता है, ये कह रहा है। 20 नंबर का उत्तर क्या होगा, क्या होगा 20 नंबर का उत्तर? स्टारफिश है पहला ऑप्शन, दूसरा है लीच, तीसरा है सीपिया, और चौथा कह रहा है आलाप देव, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा महेश कुमार जी? बिल्कुल आपका जो उत्तर आ रहा है सही आ रहा है, आपका उत्तर सही आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? स्टारफिश होगा, स्टारफिश होगा, क्योंकि ये कहां है भाई? लीच में पाया जाता है, कहां नहीं ना पाया जाता है, सीपिया में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, आलाप देव कैसे हो जाएगा तुम्हें नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, स्टारफिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 ये क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है स्टारफिश इज अ, स्टारफिश एक क्या है? बेंथोनिक एनिमल है, पेलाजिक एनिमल है, लोटिक एनिमल है, नन है, क्या है इसको आप बताइए, जरा सोच करके बताइए, अच्छे से बता दीजिए सोच करके, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप सही से बताइए, सोच के बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हम देख रहे हैं बिल्कुल, अब भानु प्रताप सिंह आपका गड़बड़ हो गया उत्तर, चलिए हम बता रहे हैं आपका उत्तर गलत हो गया, और इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। एक लोग देखिए आलाप दर्दव कर रहे हैं, अरे भैया कौन है दुनिया में यार? बेंथोनिक एनिमल होता है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको बता दें, इसका मतलब है कि एकदम तलीन होता है, जब वाटर होता है पूरा समुद्र तल, समुद्र कहां होता है? नीचे, जहां पर क्या होते हैं बालू अथवा मड होते हैं, वहां ये चलता है, समझ रहे हैं, वहां होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंथोनिक एनिमल्स, ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, अब कह रहा है स्टारफिश इज एन इनियापल, अब कह रहा है कि स्टारफिश किसका शत्रु है, स्टारफिश किसका शत्रु है, ये आपको बताना है कि स्टारफिश किसका शत्रु है, ठीक है, बताइए स्टारफिश किसका शत्रु है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्पंज का शत्रु है, दूसरा कह रहा है पर्ल ओइस्टर का शत्रु है, और तीसरा कह रहा है सी काउ का शत्रु है, और चौथा कह रहा है आला डीज, इनमें से सभी। तो किसका शत्रु है भाई आपको बताना है, अभी मैंने शुरुआत में ही लेक्चर के शुरुआत में एक बार मैंने बताया था, ठीक है, किसका शत्रु है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। आप लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं भाई, मंजू देवी आपका तो उत्तर सी हो गया, सी नहीं है, सी नहीं ना है, सी नहीं है, बी नंबर है भाई, बी नंबर। ये देखिए अंकिता मौर्य जी बता रही हैं कि बिल्कुल बी, पर वो ईस्टर इसको जो है हानि पहुंचाता है, इसका जो है आप जानते हैं इसका जो ये खाता है, इसका प्री भोजन है जो क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस है, ठीक है, और मोलस्का फाइलम के जो जंतु है इसका प्री भोजन है, बढ़िया खाता है पीता है मजे से पड़े रहता है। तो स्टारफिश का जो शत्रु पर्ल ऑयस्टर इसको हानि पहुंचाता है, ठीक है, मोती उद्योग को ये ज्यादा हानि पहुंचाता है स्टारफिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन स्टारफिश, निम्नलिखित में से चार लक्षण लिखा है, कह रहा है चारों में से कौन सा लक्षण स्टारफिश में नहीं पाया जाता है, ये चारों लक्षण में से कौन सा लक्षण स्टारफिश में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन इसमें से नहीं पाया जाता है, कह रहा है पैरासिटिज्म परजीविता, एटोटोमी, कह रहा है नॉक्टर्नल हैबिट, कह रहा है अगला बेंथोनिक लाइफ। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा होगा तो आप फटाक से बता देंगे, मैंने दो पर बात किया था, बहुत बिरीवर बात किया था भाई, ठीक है, अब आप बता देंगे, अगर लेक्चर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जो आ रहा है सही आ रहा है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल लक्ष्मी शंकर जी, बिल्कुल पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म इज द राइट आंसर। ये परजीविता कहां दिखाता है, ये नहीं ना दिखाता है, इसका सही उत्तर क्या है, यही है, एटोटॉमी भी पाई जाती है, नॉक्टर्नल है भी पाया जाता है, क्योंकि वाटर सॉरी ये लाइट के प्रति क्या होता है, ये लाइट के प्रति अपना निगेटिव शो करता है, ठीक है, और फिर ये बेंथोनिक लाइफ भी होता है, नीचे होता है सतह पर होता है, इसका आंसर क्या है, पैरासिटिज्म। चलिए 24 की बात करते हैं भाई, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 को देखते हैं, 24 की आ गया, 24 नंबर आ गया, कह रहा है लार्वल स्टेज ऑफ होलोथ्यूरियंस, लार्वल स्टेज ऑफ होलोथ्यूरियंस, होलोथ्यूरियम का लार्वा स्टेज कौन सा है, ये आपको बताना है, आर्थियोप्लूटियस है कि बाइपिनेरिया है कि आरिपुलेरिया है कि प्लूटियस है,
इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है, 24 नंबर का उत्तर आपको देना है, ठीक है। बिल्कुल विक्की मिश्रा जी लिखते हैं, सर जी बहुत मजा आ रहा है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। अभी क्या, अभी सही चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है हमारे पास भी अभी इस समय, चूंकि अब देख रहे हैं परीक्षा की डेट तो आ नहीं रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ लोग ठंडे बस्ते में चले गए हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होना है। अगर सफलता लेनी है तो कभी ठंडे बस्ते नहीं जाना, हमेशा सक्रिय रहना, दागते रहना, उछलते रहना, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे आपको जो है बना के चलते रहना, किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ करते रहना। हाँ, इसका सही आंसर क्या है, लार्वल स्टेज ऑफ होरोथ्यूरियंस, लार्वल स्टेज क्या है, देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आरुकुलेरिया। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, देखिए हम आपको थोड़ा सा बैक ले चलते हैं, थोड़ी देर के लिए बैक ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, पूरा हमने लार्वल का शेड्यूल भी बना दिया था भाई, आपको शायद ध्यान में ना हो तो हमने इसका जो है शेड्यूल भी बना दिया था, ठीक है, शेड्यूल देखिए, देखिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। हाँ, कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई, कहाँ चले गए तुम छोड़कर, ये देखो ना, खुल जा भाई, खुल जा, काहे जो है, हाँ ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये आ गया। अब देखो भाई हम आपको बता दें, ये जहां मैंने लार्वा की भी बात किया था, सभी क्लास के लार्वा की बात किया था, पूरे क्लास की लार्वा की बात किया था, जैसे एस्टेरॉइडिया क्लास है, और कहे भाग रहा हो, एस्टेरॉइडिया क्लास था, एस्टेरॉइडिया में स्टारफिश आता है, इसका लार्वा क्या है, बाइपिनेरिया लार्वा है, अफ्यूरॉइडिया है, इसमें ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार आता है, इसका लार्वा कौन है, अफ्यूफ्लूडियस लार्वा है, इकोनोडिया है, इसका लार्वा कौन है, इसके लार्वा को क्या कहते हैं भाई, इसका लार्वा ये देख रहे हैं आप, इकाइनोक्लूडियस लार्वा है, इसमें जो है सी अर्चिन आता है, सैंड डॉरक्स आता है, इकोनोडिया के कैरेक्टर क्या होता है भाई, अरिस्टोटल लैटर्न, अरिस्टो की लालटेन इसी क्लास में पाई जाती है इकाइडिया में, ठीक है। और होलोथ्यूरोइडिया, यही अभी हमने बात किया था, होलोथ्यूरोइडिया इसका लार्वा क्या होता है, इसका एग्जांपल है सी कुकुम्बर, इसका लार्वा क्या है, देख रहे हैं आप, आरिकुलेरिया इसका लार्वा है, आरिकुलेरिया, ठीक है, आरिकुलेरिया इसका लार्वा है। और अगला क्लास जो है, अगला, ठीक है, ये अगला क्लास की क्राइनोइडिया, इसका जो इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, सी लिलीज है और फीडर स्टार है, सी लिली और फीडर स्टार। हाँ, आप देखो भाई यहां पर इसका लार्वा क्या है, आप देख रहे हैं डोलियो लेरिया लार्वा इसका है, ठीक है, तो यहां तक हमने बात किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया, अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 25 हमको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा, 25 नंबर कह रहा है, द इग्स ऑफ स्टारफिश आर, स्टारफिश का इग कैसा होता है, होमोलेसिथल होता है, टीलोलेसिथल होता है, कि माइक्रोलेसिथल होता है, कि ऑलिगोलेसिथल होता है, कैसा होता है यह आपको बताना है, ठीक है, स्टारफिश का जो इग होता है कैसा होता है। चलिए हम देख रहे हैं, आपको उत्तर का इंतजार है हमें, कैसा होता है, ठीक है। भानु प्रताप सिंह, पंकज कुमार, आपके जो उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा ही हौसला आप लोग बढ़ाते हैं तो भाई हमको भी अच्छा लगता है, हम भी जो है नहीं तो हम भी जो है ऐसे सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, सुस्त हो जाते हैं तो मतलब नहीं आते हैं। अगर हौसला बढ़ेगा थोड़ा सा, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो काफी मजा आएगा। इसका जो आंसर है बिल्कुल सी ही है, माइक्रोलेसिथल है, इसका राइट आंसर है क्या, माइक्रोलेसिथल, ठीक है। तो आज हमारी क्लास में देखिए हमने 25 क्वेश्चन को सम्मिलित किया था, ठीक है, 25 क्वेश्चन को ही सम्मिलित किया था अपने इस क्लास में, ठीक है। फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए दिन के साथ, ठीक है। फिर से हम लोग आएंगे अपनी दूसरी क्लास में। आज के हमारे इस लेक्चर में बस यही तक रखते हैं, बाकी आपके जो सुझाव होंगे हमारे लिए, वो हम सब सुझाव हमारे लिए बिल्कुल आपका, हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अगर जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में आप लोग जुड़ लीजिए, हमारा नंबर है, अगर नहीं आपके पास नंबर होगा तो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 94 50 521 588 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दो ग्रुप है उस पर हम आपको अटैच कर देंगे, जो भी मैटर होंगे हम आपको प्रोवाइड भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।